नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड गेलोपिया फार्मा। आई एम प्राउड फादर ऑफ टू सन एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन वर्किंग ऑन ए मिशन टू सेव 1 मिलियन नी जॉइंट अक्रॉस द ग्लोब इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। आज मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देने के लिए, आज मैं सिंपल अपने मन की बात कहने के लिए और एक बहुत ही पुरानी एक कहावत है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हूँ। और अगर आपको लगता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगे कि अंत तक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को शेयर भी करिए। एक कहावत है, यू आर एज ओल्ड एज योर नी, आप उतने ही बूढ़े हैं, आप उतने ही बुजुर्ग हो गए हैं जितना आपका घुटना हुआ है। बड़ा ही मतलब है इस कहावत में, इस प्रोवर्ब में, कि आपकी जिंदगी का एक चक्का है। समझिए कि हमारी अगर शरीर एक गाड़ी है तो इसका चक्का है घुटना। और हमारी जिंदगी कितनी लंबी होगी, हमारी जिंदगी कितनी उपयोगी होगी, कितना प्रोडक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा घुटना कैसा है, हमारा घुटने का जॉइंट कैसा है। और हमारा घुटना जितना बूढ़ा हो गया उतना ही हम भी बूढ़े हो गए हैं। ये सिंपल सा चीज है। तो इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी जिनको घुटने की तकलीफ़ है और उनके लिए भी जिनको घुटने की अभी तकलीफ़ नहीं है। आप अपने घुटने को बचाइए, आप अपने घुटने के लिए क्या कर रहे हैं ताकि आपका घुटना स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। क्योंकि ये चक्का है आपकी गाड़ी का, आपका पूरा इंजन सही है और चक्का खराब है तो आप चल पाएंगे क्या? बैठ जाएंगे। सब कुछ अच्छा है, आपको बच्चा कोई ना ब्लड प्रेशर ना कोई शुगर, सब शरीर अच्छा है, लेकिन घुटना डैमेज हो गया ना। समझिए कि अब घुटना डैमेज के कारण से पूरा शरीर डैमेज हो जाएगा, आपका पूरा गाड़ी डैमेज हो जाएगी आपकी। तो घुटने को अपने बचाइए और घुटने को जवान रखिए। कुछ वॉकिंग करिए, अगर आप एक्टिव आदमी हैं कुछ एक्सरसाइज करिए घुटने के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और एक बार घुटने की तकलीफ हो गई तो उसको बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार वो जो कार्टिलेज डैमेज हो गया, ऊपर के जॉइंट के ऊपर का जो लेयर है वो डैमेज हो गया, तो डैमेज परमानेंट होता है जी, वो पूरा ठीक नहीं होता है। उसको बचाना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है, उसका एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसका प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, उसको डॉक्टर के पास दिखाना पड़ता है, उस मेडिसिन भी लेना पड़ता है। और कभी कभी तो कुछ नहीं, सब चीज़ से नहीं ठीक होता है तो आप दूसरे पर बिल्कुल इस तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। और पेन इस कदर होता है कि कितना बार घुटना भी बदलना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट हजारों में नहीं है, वो लाखों वाला कॉस्ट है। और आप सबको मालूम है कि कोई भी सर्जरी 100% कोई चीज़ गारंटेड नहीं होता, हर सर्जरी का भी एक कॉम्प्लिकेशंस रेट है, उसमें भी फेल होता है। और जो दुनिया के सबसे बेहतरीन जगह जहाँ पे घुटने बदले जाते हैं, घुटना रिप्लेसमेंट होता है, नी रिप्लेसमेंट होता है, वहाँ पे भी 8-10% लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होता है। यानी 10 आदमी का ऑपरेशन किया तो एक आदमी को दिक्कत होगा। और वो दिक्कत छोटा मोटा से की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े दिक्कत जिसमें इन्फेक्शन हो गया, फिर से ऑपरेशन करना, इस तरह की तकलीफें होती हैं। तो क्यों ना अपने इस घुटने को बचाया जाए, उस वक्त भी जब आप स्वस्थ हैं और उस वक्त भी जब आपके घुटने में सचमुच कोई दिक्कत हो गया हो, क्योंकि बचाव ही इसका इलाज है। और अगर लगता है कि मैंने कुछ काम की बात की, कहीं ना कहीं आपके दिल को झकझोरा, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।